कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर प्रहार कर रही है। कांग्रेस लगातार बता रही है कि देश की संपत्ति को कैसे उड़ाया जा रहा है। आज दिल्ली में एक सभा के दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। आइए सुनते हैं क्या कहना है सचिन पायलट का। जो है संपत्ति है उसको औने पौने दाम में उसका अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ राहुल जी ने आवाज उठाई थी। और जो खुलासे हुए हैं, जैसा संदीप जी ने कहा, ये बड़ा जटिल मुद्दा होता है, आम व्यक्ति के समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जिस थाने में कोतवाल पर आरोप लग जाए कि तू अपराधी से मिला हुआ है, तो वो थानेदार जांच नहीं कर सकता। आरोप ये लगा कि सेबी की जो चेयरपर्सन है उनकी मिनी बजट है उन लोगों के साथ, जिन लोगों के खिलाफ जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ये कांग्रेस ने नहीं कहा, AICC ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बड़े गंभीर आरोप है, हजारों लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया सेबी को कि आप जांच करके बताइए कि क्या तथ्य है। अब जांच करने वाले जो हैं उन्हीं के जब आरोप लगे हैं और तथ्यात्मक आरोप है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, तो सरकार ने ऐसी चुप्पी साध ली कि कोई जवाब नहीं मिला। हम लोगों ने मांग करी कि एक JPC बने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, बहुमत तो आपका है पार्लियामेंट में, अगर JPC बनेगी उसका चेयरमैन भाजपा का होगा, अधिकांश सदस्य आपकी पार्टी के होंगे, और आप लोग जो हमेशा कहते हो कि विपक्ष के नेताओं पर ED के छापे, इनकम टैक्स के छापे, CBI के छापे, और बोलते हो अगर गलत नहीं किया तो जांच से क्यों डरते हो, तो हम तो कह रहे हैं JPC का चेयरमैन आपका, JPC का बहुमत आपका, आप जांच तो कराओ। जब तक जांच ही नहीं कराओगे तो तथ्य तक कैसे पहुंचेंगे। जनता का, देश का, कानून का कोई विश्वास नहीं है सीबी के अंदर। जब उनकी चेयरपर्सन उनके धर्मपति के ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हैं जिसको वो मना नहीं कर रहे, हमारा लेन देन हुआ, हमारा निवेश हुआ, हमारे पैसे का लेन देन हुआ, तो वो जांच नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा कि ये सरकार गूंगी बहरी हो सकती है, लेकिन देश में लोकतंत्र जीवित है, आवाम और जनता की मंशा पर सबको झुकना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रत्येक राजधानी में जाकर इस बात को उठा रही है कि आपको JPC बनानी पड़ेगी। और मैं तो सीधा सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर कुछ गलत नहीं हुआ, आपने कुछ गलत नहीं किया, अगर हजारों करोड़ निवेशकों के भविष्य को अपने अंधकार में नहीं ढकेला, मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया, आपने कुछ गलत काम नहीं किया, तो आप JPC को बनाने से क्यों भी डरते हो। आपने बड़े बड़े दावे किए ईमानदारी के, प्रतिस्पर्धा के, पारदर्शिता के, 10 साल में जनता ने देख लिया अमीर गरीब की खाई कितनी बढ़ गई है। जो चंद उद्योगपति सरकार के साथ रहते हैं उनके तो मारे न्यारे हो गए, और जो गरीब बेचारा जो मजदूरी करता है, नौकरी करता है, मध्यम वर्ग है, छात्र है, किसान है, महिला है, वो सब पीछे उठते चले जा रहे हैं। इस गरीबी की खाई को जो बढ़ाया है, अमीर गरीब की खाई को, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिम्मेदार हैं जो दिल्ली में बैठकर नीति निर्माण करते हैं। इसलिए साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देवेंद्र यादव जी का, इनकी पूरी कमेटी का, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, कि आप सबको यहां पर बुलाया, पूरा देश इस बात को सुने और समझे कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक उचित पारदर्शी जांच चाहती है, और जांच JPC के माध्यम से हो। देश में अनेकों बार JPC बनी है। मुझे याद है एक बार ये कोका कोला को एक चक्कर आ गया था, उसमें JPC बन गई थी। तो JPC बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मन में चोर हो, कुछ छुपाने की बात हो, तो कोई भी सरकार JPC बनाने डरती है। इसलिए मेरा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर, आप JPC बनाएं, जांच करवाएं। अगर कोई गलती नहीं मिली, जांच के बाद कोई तथ्य सामने नहीं आता, तो मामला खत्म है। लेकिन जांच आपको करवानी पड़ेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, देश की संसद में और देश की सड़कों पर खड़गे जी और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर संघर्ष करेंगे, सच्चाई इंसाफ के राय लड़ेंगे, ताकि देश में जो कानून व्यवस्था है, जो पारदर्शिता हम लाना चाहते हैं, उसको अंजाम दे सकें। और आप देख रहे हैं News Plus 24/7।